आज हमको बहुत इस बात से खुशी होता है कि हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने से खुद से कंप्यूटर को लगा ले रहे हैं, ऑन कर ले रहे हैं और खुद से ही कंप्यूटर को चला रहे हैं। सारे तार का नाम पार्ट बाय पार्ट बता देते हैं। कभी एक ऐसा समय था जो कि ये बच्चे जो हैं वो एक केबल का नाम नहीं जानते थे, माउस के बारे में नहीं जानते थे, माउस क्या होता है ये नहीं जानते थे, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे। इससे पहले ये लोग कंप्यूटर चलाए भी नहीं थे। ये बताइए कि यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे सीखने से पहले कोई ऐसा बच्चा है जो कि कंप्यूटर को पार्ट बाय पार्ट खोल करके जोड़ लेता था, अपने से चालू कर लेता था? नहीं सर। नहीं जोड़ता था ना। ठीक है, तो ये बताओ कि अब तुमको कैसा महसूस होता है जब तुम कंप्यूटर खुद से ऑन कर लेता है, तुमको क्या लगता है, समझ में कुछ आता है पढ़ाई? यस सर। समझ में आता है? पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है ये बताओ? Yes, है ना। अब ये बताओ कि मान लो कि जो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चा पढ़ने जाता है, जाता है ना? Yes, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने जाता है, तो वहाँ के भी बच्चे क्या इस तरीका से सीख रहे होंगे कंप्यूटर? कोई बच्चा इसमें से प्राइवेट में गया है पढ़ने? Yes, चलो ठीक है, कौन गया है? अंकित गया है। ठीक है अंकित, ये बताओ वहाँ पे इस तरीका से छठा क्लास के लड़कन को इस तरीके से बताया जाता है कंप्यूटर को खोल करके पूरा अच्छे से लगाने के लिए? खोल कर नहीं बताया जाता है। अब वहाँ पे लगाने के लिए अगर यहाँ से पहले सीखा भी है तो वहाँ पे सीखा था ये चीज़? नहीं ना सीखा था, कंप्यूटर चलाने के लिए सीखा था लेकिन ऐसे नहीं सीखा था। तो हमें ये चीज़ है कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुआ है हमारे बच्चे में। और ये जो छोटे छोटे कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि कंप्यूटर का कभी नहीं जानकारी था और आज ये कंप्यूटर खुद से चला लेते हैं, लगा लेते हैं और ऑन कर लेते हैं, इस बात से हमें बहुत खुशी महसूस होता है। हम ये सुनना चाहेंगे अब कि ये लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर आया तो उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनके लिए अच्छा हुआ ख़राब हुआ, क्या मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ इन लोगों को या नहीं पढ़ाता हूँ, ये लोग खुद बताएंगे, ये मैं नहीं बता सकता। मेरा नाम अभिजीत कुमार है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। हाँ। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ। और आपका पढ़ाई हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अच्छा, ऐसा बात नहीं ना है बाबू कि हम आपको ये चीज़ कहे हैं कि आप बोलिए हमारे बारे में। नहीं सर, हम अपने से कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना है, मेरा आप पढ़ाई से प्रसन्न हैं, खुश हैं आप, समझ में आता है? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या नाम है? अजीत कुमार। हाँ बोलिए, क्या कंप्यूटर? कंप्यूटर चलाने भी यहाँ बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ। कंप्यूटर चलाने के लिए यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत मन लगा के सीखिए, बहुत आगे जाइएगा। ठीक है बाबू, आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, प्रिंस आप ये बताइए आपको कंप्यूटर सीख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हम जो आपको पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? यस सर। समझ में आता है? यस सर। चलिए ठीक है, इससे पहले आप कहीं और इस तरीका से कंप्यूटर सीखे? नहीं सर। नहीं सीखे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, हमको से अच्छा लगता है पढ़ के आपको। यस सर। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? रविशंकर कुमार। रविशंकर, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? हमको यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा होता है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? समझ में आता है, आप अच्छे पढ़ाते हैं। हम अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे पास है ये, आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। चलिए शिवम, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे कंप्यूटर का क्या लाभ उठा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या सर, हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। हाँ? हमको समझ भी आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छा भी पढ़ाता हूँ? यस सर। ये बात नहीं ना है कि हम तुमको ये बोल दिए हैं कि तुम मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना? नहीं, ऐसा बात नहीं ना है? नहीं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये देखिए जब भी मैं बाजार जाता हूँ, ये लोग कहीं भी मिल जाते हैं, ये सारे लोग हमको प्रणाम सर बोलते हैं, हमको बहुत ये चीज़ खुशी महसूस होता है कि नहीं हम इन लोगों को कुछ अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, तभी ये मेरे हमको कुछ प्रणाम करते हैं या जो भी अच्छा देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा नहीं कि हमें अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब अगले बच्चे से मिलते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशान कुमार है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, आप ये बताइए यहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से पढ़ाई हो रहा है आपका? हाँ, हो रहा है। कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। हाँ। यहाँ पर कोई भी सर पढ़ाते हैं। हाँ। हमको बहुत अच्छा लगता है। आप ये बता रहे थे, आइए आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ये बहुत सही बात है, और जगह की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा सभी टीचर लोग सभी अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि कह सकता कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सारी चीज़ पढ़ाई होती है। चलिए आप आइए, नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार ठीक है, आप ये बताइए आपको यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए क्या लगा, सीख के अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम जो आपको पढ़ाए वो कैसा लगा?
पूरा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इससे पहले आप कंप्यूटर लगा लेते थे, चालू कर लेते थे? नहीं सर। नहीं करते थे, अब करने आ गया? यस सर। चलिए बताइए, वीजीए केबल का काम क्या है? सीपीयू में से इमेज या वीडियो मॉनिटर में भेजना। बहुत बढ़िया, देखिए ये इम्प्रूवमेंट है, ये बदलाव है, हमें इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए आइए अंकित, आप आइए, बताइए क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित आप ये बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पे कंप्यूटर जो पढ़ाई हो रहा है उससे आपको कुछ संतुष्टि है, खुश होते हैं या नहीं खुश होते हैं, कैसा लगता है? खुश होते हैं सर, आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। चलिए, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, इनका कहना है कि समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो यानी आप खुश हैं यहाँ से पढ़ के? यस सर। ठीक है, समझ में आता है? यस सर। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये वादा कीजिए कि मन लगा के पढ़िएगा। यस सर। सब लोग बताइए, मन लगा के पढ़िएगा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इस वीडियो को मम्मी पापा को जरूर दिखाना है। यस। ठीक है। यस सर। ये वीडियो आप मम्मी पापा को जरूर दिखाइए कि हम वीडियो कंप्यूटर से कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं सब बच्चों के साथ कुछ नया एक्टिविटी कराते हुए, और देखते हैं कि कितना अच्छा लगता है इन लोगों को आगे बढ़ाते हुए, सिखाते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी छोटे छोटे बच्चों के पास जिनको कि कंप्यूटर स्कूल में है उसके बावजूद भी वो नहीं सीख पाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, वो इस वीडियो को देख के सीखें और वहाँ पे भी वो चीज़ करके देखें, जरूर होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।